हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन थिंक डेली। आज हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सेकंड पार्ट पे कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मैं 1000 क्वेश्चन का पूरा पार्ट बनाऊंगा, जिसमें जितने ही पार्ट रहे उसमें 1000 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन ब्रशों की आकृति कैसी होती है? ये कार्बन ब्रश जो हमारे लगते हैं, जो कि करंट को अंदर और बाहर करने के लिए काम आते हैं, इसका आकृति आयताकार होता है। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर से प्राप्त डीसी को बाह्य लोड कौन प्राप्त करता है? देखिए इसका उत्तर है ब्रश। कम्यूटेटर से प्राप्त डीसी, देखिए हम लोग कम्यूटेटर जो डीसी प्राप्त करते हैं उसमें जो हम लोग आउटर लोड देते हैं आउटपुट, वो हम लोग ब्रश के थ्रू देते हैं, ब्रश के द्वारा हम लोग आउट बाह्य लोड प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रश किसके बने होते हैं? देखिए ब्रश कार्बन के बने होते हैं। छोटी मशीनों में अक्सर ब्रश कार्बन के रहते हैं, लेकिन जब बड़ी मशीन को हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें कार्बन और ग्रेफाइट का मिक्सचर से शायद हम लोग उसको बनाते हैं ब्रश को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बड़ी मशीन में ब्रश किसके बने होते हैं? तो आपका उत्तर है कार्बन प्लस ग्रेफाइट के। इससे पहले मैंने बताया था कि छोटी मशीनों में कार्बन के बने रहते हैं और बड़ी मशीनों में कार्बन और ग्रेफाइट का मिक्सचर से बना रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है? कम्यूटेटर का मुख्य कार्य, देखिए एसी को डीसी में परिवर्तित करना होता है। कम्यूटेटर हमारा एसी को डीसी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर कनेक्शन किसके ऊपर उतरे होते हैं? देखिए अब जो हम लोग आर्मेचर कनेक्शन करते हैं वो हम कम्यूटेटर पे करते हैं, और वो कम्यूटेटर के थ्रू उसका कनेक्शन किया जाता है आर्मेचर कनेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग कौन सी सप्लाई प्रदान करती है? अब देखिए स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग ये दो तरह के होते हैं। तो स्लिप रिंग से हम एसी लेते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है स्लिप रिंग से हम लोग एसी सप्लाई प्रदान करते हैं, और अगर उसी में स्प्लिट रिंग रहा जो वो दो भागों में होता है उससे हम लोग डीसी प्राप्त करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कम्यूटेटर किसका बना होता है? देखिए कम्यूटेटर हार्ड क्रोड कॉपर का बनाता है, यानी कि हार्ड कोर कॉपर का। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मोटर है जो रेल में प्रयुक्त होती है? देखिए सीरीज मोटर है जो रेल में प्रयुक्त होती है। अगर आप ट्रैक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सीरीज मोटर का कितना यूज किया जाता है ट्रैक्शन में, लिफ्ट में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ खिंचाव है, खिंचवा लिखा हुआ है, खिंचाव कार्य, ठीक है। तो सीरीज़ मोटर का खिंचाव कार्य में प्रयोग किया जाता है, यानी कि अब रेल में आप देखते होंगे खिंचाव ही है, खिंचाव करते हैं, एक इंजन है पूरे बोगी को खींचता है, इसलिए वहाँ पे सीरीज़ मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीरीज़ मोटर में तार होते हैं? अब देखिए सीरीज मोटर में तार किसके बने होते हैं या कैसे बने होते हैं? मोटे तार रहते हैं और वह टर्नों की संस्था क्रम, ठीक है। सीरीज में देखिए मोटे तार रहेंगे और उसके टर्न संस्था क्रम में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या सीरीज मोटर को बिना लोड चला सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं, नहीं है, क्योंकि इसकी गति बहुत भयंकर होती है, यानी भयंकर यानी इसका इसको हम अगर बिना लोड पे चलाएंगे तो ये बहुत ही इसकी गति बहुत ही तीव्र हो जाती है, जिससे कि मोटर के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है, इसलिए हमेशा हम लोग सीरीज मोटर को लोड पे चलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अनबैलेंस लोड के लिए कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं? आपका उत्तर है यौगिक मोटर, यानी कंपाउंड मोटर, मिश्रित मोटर या कंपाउंड मोटर। देखिए इसमें होता क्या है, लोड हमारा अनबैलेंस है, यानी कभी हमारा लोड बहुत कम है, कभी अचानक से उससे बहुत अधिक लोड आ जा रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे जगहों पर जहाँ पे लोड तुरंत कम हो रहा है और तुरंत बढ़ भी जा रहा है,
ऐसे जगह पे हम लोग कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। इंटरपोल कहाँ लगे होते हैं? ये मेन पोल के बीच में लगे होते हैं, और जिससे कि आर्मेचर रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेशन को दूर करने के लिए क्या करते हैं? देख, कम्यूटेशन को दूर करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग करते हैं, उच्च प्रतिरोध वाले ब्रश प्रयोग करते हैं, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग डालकर। देखिए, इसमें एक अलग से वाइंडिंग भी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और इंटरपोल का प्रयोग करते हैं और उच्च प्रतिरोध वाले ब्रश का प्रयोग करते हैं। ये तीनों की से हम लोग कम्यूटेशन को दूर करने का यह तरीका एक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सर्किट का मार्ग किसके द्वारा पूरा होता है? देखिए, मैग्नेटिक सर्किट जो है, मैग्नेटिक फील्ड, उसका पाथ बॉडी योक, यानी कि जो हमारी योक होती है, उसके थ्रू पूरा मैग्नेटिक सर्किट का मार्ग पूरा होता है। जो हमारे मोटर जनरेटर है, जिसका भी हम लोग जिसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो बॉडी है, वो चुंबकीय सर्किट का मार्ग इसी के द्वारा पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, घर के अर्थिंग की मोटाई कितनी होती है? देखिए, घरों में जो हम लोग अर्थिंग प्रयोग करते हैं, उसकी मोटाई 14 SWG होती है। 14 आपका हो गया तार की मोटाई, और SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इससे हम लोग तार की मोटाई का वो करते नापते हैं, तार की मोटाई नापते हैं। तार की मोटाई नापने वाला एक डिस्क तरह का छोटा सा रहता है, जिससे कि हम लोग तार को उसमें फंसा फंसा के नापते हैं कि कौन कितने स्टैंडर्ड वायर गेज का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अर्थिंग की मोटाई कितनी होती है? देखिए, ट्रांसफार्मर में अर्थिंग की मोटाई 8 SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज होती है। इसकी मोटाई 8 स्टैंडर्ड वायर गेज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती? अब क्योंकि देखिए, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ, हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको स्टार्ट करने के लिए एक डीसी अलग से सोर्स देते हैं इसे, इसलिए, और ये स्टार्ट इसलिए नहीं होती है सेल्फ स्टार्ट, क्योंकि इसके स्टेटर में 3 फेज से बनने वाला घुमाव बल पैदा नहीं होता है, और इस घुमाव बल पैदा करने के लिए हम लोग एक बाहरी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 फेज चुंबकीय घुमाव बल कहाँ पैदा होता है? अब देखिए, 3 फेज मैग्नेटिक टॉर्क, इसको घुमाव बल यानी कि टॉर्क, मैग्नेट 3 फेज मैग्नेटिक टॉर्क कहाँ पैदा होता है? तो ये हमारा स्टेटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटर चालकों को शॉर्ट सर्किट क्यों बनाया जाता है? देखिए, हमारे जो रोटर यूज़ हम लोग करते हैं, उसके कंडक्टर को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। उसको इसलिए करते हैं क्योंकि करंट को एकत्रित करने के लिए। रोटर चालकों को शॉर्ट सर्किट इसलिए किया जाता है, तो रोटर चालकों को शॉर्ट सर्किट करंट को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की बनावट किस तरह की होती है? देखिए, सिंक्रोनस मोटर की बनावट सेम अल्टरनेटर की तरह होती है, दोनों एक जैसे ही होते हैं, सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर मोटर। अल्टरनेटर मोटर एसी प्रोड्यूस करती है, और सिंक्रोनस मोटर डीसी प्रोड्यूस करती है। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन पे, फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है? अब देखिए, फ्रीक्वेंसी का सूत्र है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू PN/120, नंबर ऑफ पोल्स, पी हो गया आपका स्पीड, एन तो इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू PN/120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए मुख्य रूप से क्या प्रयोग लेते हैं? अब देखिए, सिंक्रोनस मोटर को प्रयोग करने के लिए एक जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। और सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए इसको स्टार्ट करने के लिए कंपाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड जनरेटर कहाँ लगा होता है? देखिए, कंपाउंड जनरेटर को हम लोग यूज़ करते हैं सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, और ये
कंपाउंड जनरेटर सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट पे लगा होता है, और इसको शाफ्ट पे लगाते हैं इसलिए क्योंकि ये पोलो की पोलैरिटी बनाने हेतु इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग कहाँ की जाती है? अब देखिए, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग करते हैं जो कि पोल शू पे होते हैं, और ये शॉर्ट सर्किट कनेक्टर होते हैं। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग पोल शू पर करते हैं और इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के पार्ट टू यही समाप्त करते हैं। अब जल्दी ही पार्ट थ्री में मिलते हैं, उसका डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ये पूरा मैं 1000 का क्वेश्चन बना रहा हूँ जिसमें कि आप सभी लोगों को हर टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।